अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो दोस्तों, आपके साथ इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी है कि वो मैंने एक वीडियो बनाई थी चैरिटी वर्कर वीज़ा की। तो उस पे काफ़ी मैसेजेस कॉल्स आई हैं कि भाई ये आप कैसे करेंगे, क्या तरीक़ाकार है। तो सॉरी, मैं तो काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं दे सका और कॉल भी नहीं अटेंड कर सकता। तो ये वीडियो मैं सिर्फ दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि ये आप लोगों ने खुद करनी है ये अप्लाई। इसके लिए मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में, जिसमें उन कंपनियों के नाम होंगे जिसके लिए आप जिसमें आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आप जॉब सर्च करें और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। वो जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर या हायरिंग लेटर इशू करवा दें तो उसके बाद आपने जाके एम्बेसी में जमा करवाना है। एक दूसरी बात ये कि वो कंपनियां सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो वैसे तो कंपनियां तकरीबन 2000 से ऊपर है, लेकिन जो स्पेसिफिकली कुछ कंपनियों के नाम मैंने निकाले हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते जाएं और आप लोगों का भी फायदा होगा इंशाल्लाह। और वो लिंक्स भी मैं डाल रहा हूँ नीचे जिनके थ्रू आप इन कंपनियों से रابطہ कर सकते हैं, और यूके गवर्नमेंट की जो लिंक्स है वो भी मैं डाल रहा हूँ जिस पे आप जाएं। यूके गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, उसको आप पूरी स्टडी करें। उसमें आपको एक एक स्टेप बताया गया है कि भाई आपने कैसे शुरू करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, कहाँ आपने अप्लाई करनी है, फीसेस कितनी है, आपको इस चैरिटी वर्कर वीज़ा में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नीचे लिंक्स में आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होंगे उसमें इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो कोशिश करें उन लिंक्स को उसको फॉलो करें। कंपनियाँ बहुत सारी हैं जो हायरिंग कर रही हैं, जिनमें वैकेंसीज हैं अभी भी, तो वो आप सर्च करें, कोशिश करें कि खुद सर्च करें। और आयट्स ये लोग मांग नहीं रहे हैं, तो सिर्फ आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे टॉक कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकें, उनको ईमेल कर सकें। तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी इंग्लिश से कमज़ोर ना हो बंदा, इतना हो कि पढ़ा लिखा हो और इंग्लिश समझता हो, इंग्लिश बोल चाल कर सकता हो। वो सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती हो। बैंक स्टेटमेंट, लंबी बैंक स्टेटमेंट मांग नहीं रहे, सिर्फ 1210 पाउंड बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं 28 दिन के लिए। तो ये इस दोबारा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि काफ़ी दोस्त बार बार कॉल्स और मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी और आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ा कि हम मैसेज पे और कॉल पे आपको रिप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ आपको अपडेट कर सकते हैं ऐसे वीज़ास के बारे में, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऐसे वीज़ास के बारे में, बाकी हम ऐसे वीज़ा डील नहीं करते। तो आप कोशिश करें कि हम जो लिंक्स दें उनको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा और इंशाल्लाह वो कारामद होंगी। और जो लिंक मैं आपको नीचे दूं डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें 2700 कुछ कंपनी आपको नज़र आएंगी। तो आपने कोशिश करना है कि सिर्फ इन ही कंपनियों में अप्लाई करना है, एक्स वाई जेड किसी लिंक से या किसी और जो लिंक्स हों उसके थ्रू अप्लाई नहीं करना, क्योंकि सिर्फ यही रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, इन्हीं के पास लाइसेंस है, यही आपको हायर करेंगे और इसी में रिक्रूटमेंट आपकी होगी। और इसी के थ्रू आप चैरिटी वर्कर वीज़ा जो TR5 है वो आप हासिल कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है उन लोगों के लिए जो यूके जाना चाहते हैं, जो यूके सेटल होना चाहते हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ कमाना चाहते हैं। यूके लाइफ जो कि मॉडर्न लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। इंशाल्लाह आप जब मूव होंगे वहाँ देखेंगे, वहाँ रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा स्टडी करें इस चीज़ को, स्पेक्टर्स को टाइम दे। जल्दी वाला काम नहीं है कि आप कहें कि भाई कल ख़त्म हो जाएगा, परसों ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इन्होंने अभी ये शुरू किया है। तो इस पर आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा करें, अपडेट्स लें, लोगों से पूछें, ऑनलाइन सर्च करें, गूगल सर्च करें, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो गूगल पे तो फ़ायदा होगा, तब जाके आप इन कंपनियों में अप्लाई करें, अपनी CV भिजवाएं। वो तरीक़ेकार वो फॉर्म आपको उनके वेबसाइट्स पे मिल जाता है,
जहाँ से आप अप्लाई करेंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो भी आपको बताएंगे। इतने लंबे चौड़े इनके फॉर्म नहीं है कि बंदा कहे कि भाई मैं फिल नहीं कर सकता या बहुत बड़ा है। छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं उनके, वो आप फिल करें, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो आपके साथ अटैच करें, तो उनसे रब्ता करेंगे, चाहे वो आपसे ईमेल पर रब्ता करें या कॉल पे करें या चैट करें, जो भी तरीक़ेकार उनका होगा, हर कंपनी का अपना तरीक़ेकार है, तो उसके थ्रू आपको इंशाल्लाह वो हायर कर लेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, उसके मुताबिक आपको वो फर्दर गाइड करेंगे।